की एक चिड़िया रहती थी। वह दिल की बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी चिड़िया थी और सभी की हमेशा मदद करती थी। जब भी कोई मुसीबत में होता तो वह उसकी मदद जरूर करती थी। उसकी इस नेक दिल की वजह से जंगल के पक्षी भी उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया रास्ते में कहीं जा रही होती है कि वह देखती है कि कालू कौवा अपने छत की मरम्मत कर रहा है। अरे कालू भैया, क्या हुआ? आप इतनी तेज धूप में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं टूनी चिड़िया, वो मेरे घर की छत जरा सी कमजोर हो गई थी तो उसकी ही मरम्मत कर रहा हूँ। अरे कालू भैया, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ जिससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे नहीं टूनी, मैं खुद ही यह कर लूंगा। कालू भैया, धूप बहुत तेज हो रही है और आप ज्यादा देर तक धूप में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। मेरी बात मानो और मुझे भी आपकी मदद करने दो, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है टूनी, तुम मेरी मदद करवा दो, पर टूनी ठीक करवाने के बाद तुम मेरे घर चलना होगा। मैं तुम्हें कुछ मिठाई खिलाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ठीक है भैया। और टूनी चिड़िया उस घर की छत को ठीक कर देती है। टूनी अपने घर पर आ जाती है और वह बहुत खुश होती है। लगता है आज रात को बहुत तेज तूफान आने वाला है, मैं सभी को बोल देती हूँ कि वे सभी अपना अपना ध्यान रखें। अरे अरे टूनी, क्या बात है बहन, तुम भी ना बस सबकी बिना फालतू में ही चिंता करती रहती हो, तुम्हारी तो कोई परवाह करता नहीं। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, ये सभी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सभी मेरा ख्याल रखते हैं। बस बहन, झूठ उतना ही बोला करो जो यकीन हो जाए, मुझे सब पता है कि कौन कैसा है। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। बहन, इस बात का तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा जब तुम किसी मुसीबत में पड़ोगी और जब यही पक्षी तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेंगे, तब तुम इस बात को याद करोगी और रोगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ऐसी बात नहीं है बहन, ये सभी मेरी मदद करने के लिए जरूर आगे आएंगे, मुझे पता है। बहन, तुम जरूरत से ज्यादा अच्छी हो ना, इसीलिए तुम्हें सभी अपने जैसे लगते हैं। जैसे तुम भोली भाली हो ना, तुम्हें भी सब भोले भाले ही दिखाई देते हैं। तुम्हें भी पता ये सभी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है और टूनी अपने खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर तक टूनी खाने की तलाश में घूमती रहती है कि तभी वह देखती है कि कुछ कौवे एक तोती को पकड़कर उसे उसका खाना छीन रहे होते हैं। टूनी ये सब देख रही होती है, वह तोती की मदद करने उसके पास जाती है। अरे काले कौवे, छोड़ दो इस तोती को, क्यों इसका खाना छीन रहे हो? इस बेचारी ने कितनी मेहनत से उस खाने की तलाश की होगी। तुम कौन हो जो इतनी बकबक कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम सभी उसकी मेहनत की चीज उससे मत छीनो, बल्कि खुद मेहनत से खाओ और कमाओ। अरे चिड़िया, अपना मुंह बंद कर, कब से बक बक किए जा रही है, नहीं छोड़ते इसे, क्या कर लेगी तू? बहन, तुम मेरी वजह से इनसे मत उलझो, ये बहुत बुरे हैं। बुरे हैं तो क्या, कुछ भी करेंगे, मैं इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा तो आजा, पहले तुझे ही सबक सिखाते हैं, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया तोती को बचाने के लिए उस कौवे से फिर जाती है और उन कौवे से उस तोती को बचा लेती है। अरे बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहन, तुमने मेरी जान बचाई और जान बचाते बचाते खुद ही जख्मी हो गई, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। बहन, आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, और ऐसे में तुम बिना किसी जान पहचान के सबकी मदद करती रहती हो। बहन, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी बहन। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। जब वह अपने घर की ओर जा रही थी तो वह देखती है कि उसका पड़ोसी कबूतर जोर जोर से रो रहा होता है। वह उसके पास जाकर पूछती है, कबूतर भाई, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ। कबूतर भाई, आप मुझे बताइए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। टूनी बहन, मेरी बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ उसका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी बच्ची को कैंसर है, उसको अगर बचाना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, यही सोचकर रो रहा था। आखिर मैं गरीब कबूतर और कर भी क्या सकता हूँ रोने के अलावा। भाई, आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। पर बहन, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? भाई, आप ज्यादा न सोचो, मैंने अपने जरूरत के लिए कुछ पैसे जोड़े थे,
वही पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ। बहन, मैं तुमसे वो पैसे कैसे ले सकता हूँ? वो तुम्हारी जरूरत के पैसे हैं और तुम्हें उनकी जरूरत पड़ सकती है। भाई, मुझे अभी उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो दे रही हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे बोल दूंगी, ठीक है? टूनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं जो किसी के बारे में इतना सोचता हो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया कबूतर को अपने जरूरत के लिए इकट्ठे किए पैसे उसे दे देती है और इस तरह टूनी चिड़िया कबूतर की बच्ची की जान बचा लेती है। टूनी बहन, अब मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मेरी बच्ची आज इस दुनिया में न होती। अरे कबूतर भैया, शुभ शुभ बात करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहन, मेरी बच्ची को नई जिंदगी तुम्हारी वजह से मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा। कैसा एहसान भैया, यह तो मेरा फर्ज था। और फिर ऐसा कहकर टूनी अपने घर की तरफ चल देती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसका घर पूरी तरह से टूटा फूटा है। वह ये देखकर काफी निराश होती है और रोने लगती है। तभी वहाँ कौओं का झुंड आ जाता है और टूनी को परेशान करने लगता है। वे टूनी से बदला लेने के लिए ऐसा करते हैं, पर टूनी के पड़ोसी यह सब देखकर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और उन कौवे को वहाँ से भगा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। अरे टूनी, तुम भी तो हम सब की इतनी मदद करती हो। टूनी, तुम निराश मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने हमारी इतनी मदद की तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? ऐसा कहते हुए सभी पक्षी टूनी की मदद करने के लिए आगे आते हैं और उसकी घर की मरम्मत करके उसे वापस पहले जैसा कर देते हैं और टूनी का ख्याल भी रखते हैं। यह देखकर वे बहुत खुश होती है कि यह सब उसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। टूनी उन सभी का बहुत धन्यवाद करती है और सभी मिलजुल कर रहते हैं।